बालोद जिले के दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र के तिवारी पोल्ट्री फार्म में एक साथ 3,700 मुर्गियों की मौत के मामले में पशुपालन विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। बुधवार देर शाम मुर्गियों के सैंपल रिपोर्ट आने के बाद उनकी मौत रानीखेत नाम की बीमारी से होना बताया जा रहा है। बालोद के पशुपालन विभाग ने बताया कि मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजे गए थे। रायपुर से आई रिपोर्ट से पता चला है कि मुर्गियों की मौत रानीखेत नाम की बीमारी से हुई है, न कि बर्ड फ्लू से। एडवांस जांच के लिए सैंपल को महाराष्ट्र के पुणे भी भेजा गया है। रायपुर से आई रिपोर्ट के बारे में जानकारी बालोद जिला पशुधन विकास विभाग के अतिरिक्त डायरेक्टर के ध्रुव ने इस प्रकार से दी है। जिले में एक निजी पोल्ट्री फार्म है दल्ली राजहरा में। कल हमको जैसे ही पता लगा कि वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल मोर्टिलिटी हो रही है, लगभग 3,000 ब्रॉयलर पक्षी वहाँ पे रखे गए थे और उसमें से 2,300 पक्षियों की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो हमने तत्काल वहाँ पे टीम भेज के पता किया तो ये पता लगा कि वो मृत्यु उनको धीरे धीरे हुई है। तो फिर वहाँ से सैंपल तत्काल मंगाए गए और डिसीज्ड इन्वेस्टिगेशन लैब रायपुर में कल शाम तक उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण में ये पाया गया कि उसमें न्यूकैसल डिसीज़, जिसको रानीखेत डिसीज़ भी बोलते हैं, उसका संक्रमण सस्पेक्टेड है, मतलब संभावित है, लेकिन कन्फर्मेशन WRDL लैब पूना है वहाँ से ही हो पाएगा। तो और उसके लिए हमने शाम को पुणे के लिए वो सैंपल्स रवाना कर दिए हैं और संभवतः कल तक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये रानीखेत डिसीज से ही इसकी मृत्यु हुई है। और उसमें ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे बर्ड फ्लू हो और इस टाइप में, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सभी अन्य जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं, कृपया वो लोग आश्वस्त रहें, बर्ड फ्लू के कोई भी लक्षण वहाँ पे नहीं पाए गए।